अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद हफीज़ ख़ान, टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ, और आज आपकी मुलाकात मैं कराने लगा हूँ उर्दू के एक बहुत बड़े फिक्शन राइटर जिनका नाम काजी अब्दुस्सत्तार था। जो लोग अच्छा फिक्शन पढ़ने के शायक हैं उनके लिए ये नाम नया नहीं होगा। काजी अब्दुस्सत्तार इंडिया, जो मौजूदा भारत है, वहाँ के रहने वाले थे। वो पैदा हुए 1933 में और उनकी वफ़ात हुई 2018 में। लेकिन हैरत की बात है, उन्होंने जो अपना पहला नावल लिखा शिकस्त ज़ीस्त के उनवान से, वो उन्होंने 1953 में लिखा और वो शाया हुआ जबकि उनकी उम्र सिर्फ 20 बरस थी। उनका ये नावल बाद में पहला और आखिरी ख़त के नाम से शाया हुआ और इसमें उन्होंने जो अवध की तारीख है, जो अवध का कल्चर है, जो अवध लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ का जो रहन सहन है, कैसे नवाबैन की ज़िंदगी हुआ करती थी और वहाँ कहाँ कहाँ कैसे क्या कुछ, कैसे वहाँ पर इश्क परवान चढ़ते थे, कैसे वहाँ मोहब्बतें की जाती थी, कैसे वहाँ नफ़रतें की जाती थी, तो ये जो बयान है इसकी जो तफसील है काजी साहब पे वो बस है। काजी साहब कहानी के साथ साथ कहानी के माहौल को भी लेकर चलते हैं और माहौल की इस कदर खूबसूरत जुज़ियात बयान करते हैं कि पढ़ने वाले का दिल करता है कि वो माहौल को एंजॉय करे या कहानी को एंजॉय करे। आपने देखा होगा कि हमारे बात लिखने वाले, फिक्शन लिखने वाले ख़ास तौर पर, वो इस किस्म की बातें वो माहौल को पोर्ट्रे करने के लिए वो करते हैं कि उसमें कारी उलझ कर रह जाते हैं और कहानी कहीं बहुत पीछे रह जाती है। या कहानी लिखने वाले जब वो कहानी लिखने पे आते हैं तो माहौल को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जो तरीका, दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इनमें कारी का जो ज़ौक होता है पढ़ने का वो मुतासर होता है। काजी साहब ने दोनों चीज़ों को साथ लिया और कहानी को भी साथ लिया और माहौल को भी साथ लिया, माहौल की जुज़ियात को भी साथ रखा। जो तहसीब के बेसिक अनासर हैं वहाँ के, उन्हें वो किस कदर खूबसूरती से बयान करते हैं ये उनके नावल पढ़ने से पता चलता है। और फिर उनका जो एक नावल आया था चौथा, वो था दारा शिको। आप जानते हैं कि दारा शिको जो शाहजहाँ के बेटे थे उनमें से एक बेटा था और ये वली अहद थे कि जिन्होंने शाहजहाँ के बाद हकूमत संभालनी थी, लेकिन शाहजहाँ की इलालत के दौरान क्या साजिशें हुईं और फिर उनका वो बेटा जिसे दुनिया औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से जानती है, उसने किस तरह इन तमाम बेटों को दारा शिको समेत एक इबरतनाक अंजाम से दो चार किया, वो अब तारीख का हिस्सा है। दारा शिको नावल ने आते ही एक, जिसे कहते हैं ना कि आया और छा गया, उर्दू अदब के कारीन के लिए और ख़ास तौर पर फिक्शन पढ़ने वालों के लिए ये एक कमाल का नावल था कि जिसने पहली बार दारा शिको की ज़िंदगी और दारा शिको को किस तरीके से हटाया गया है इक्तदार की राह से औरंगज़ेब आलमगीर ने, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या कुछ साजिशें हुईं, कौन से किरदार थे, महल में क्या होता था, महल के बाहर क्या होता था, और फिर यहाँ पूरी वो जुज़ियात कि आदमी जो पढ़ने वाला है, कारी है, उसी माहौल में पहुँच जाता है और वो उसको अपना हिस्सा तस्वुर करता है कि महल से कैसे सवारी बाहर निकल रही है, महल में क्या हो रहा है, जो तेवर हैं शहज़ादियों के, जो तेवर हैं शहज़ादों के, जो दरबारियों के तेवर हैं, जो उमरा के तेवर हैं, वो तक आपको इसमें साफ दिखाई देते हैं। और वो काजी साहब जो हैं, काजी अब्दुस्सत्तार, वो नावल के साथ साथ आपको उसका एक जो पंच है तारीख का, उसे भी रोशनास करते हैं कि कैसे एक ऐसा शहज़ादा वली अहद जो आलम था और जिसको कुदरत थी और वो ज़माने भर को साथ लेकर चलना चाहता था और जिसके यहाँ किसी मज़हब के ख़िलाफ़ भी कोई तासुब नहीं था, वो किस तरह राह से हटा दिया गया और किस तरह उसे बुरी तरह अजियत देकर उसे मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो दारा शिको नावल अपने असलूब से,
अपने तारीखी वाकियात के सबब ये पढ़ने के लायक हुआ। इसका इम्पेक्ट बहुत बड़ा हुआ। उस वक्त जो लिखने वाले थे, उस वक्त जो तारीख पर लिख रहे थे, ख़ासतौर पर इस्लामी तारीख पर, उसमें हम देखते हैं कि चौधरी फजल हक के बाद एम असलम और एम असलम के साथ उन्हीं दिनों में नसीम हिजाज़ी भी आ चुके थे, लेकिन उन्होंने तारीख़ को या तारीखी वाकियात को एक अलग तौर पर लिया। उन्होंने तारीख़ में फ़िक्शन भी पैदा किया और उसमें रोमांस भी पैदा किया, लेकिन उन्होंने एक ख़ास जहन से लिखा, एक ख़ास ढब से लिखा कि जिसका असर कहीं मस्बत हुआ और कहीं मनफी। मस्बत के साथ जो मनफी इम्पेक्ट था उसने बाद के आने वाले दिनों में बहुत सा अपना असर छोड़ा। इस पर किसी और निशस्त में बात करेंगे। और अब हम बात करते हैं उनके एक और शाहकार नावल की, और वो नावल है गालिब। मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पर तो यूँ तो बहुत काम हुआ, उन पर फिल्में भी बनी, उन पर टीवी सीरियल्स भी बने। उस वक्त हुआ ये कि 1973 में गाजी उस्ताद साहब को गालिब एकेडमी की तरफ से अवार्ड दिया गया। और उस वक्त एक दानिशवर थे, वो सियासतदान भी थे, वकील भी थे, और उनका नाम था फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब ये बाद में 1974 में इंडिया के यानी भारत के 5वें सदर बने, जब इंदिरा गांधी का दौर हुकूमत था, और ये दूसरे सदर थे कि जिनका अपने ओहदे सदारत में इंतकाल हो गया। ये 1974 से 1977 तक ये भारत के सदर रहे। इनकी फरमाइश थी काजी दुस्तार साहब से कि आप गालिब पर नावल लिखें, चूँकि वो दारा शिकोह से बहुत मुतासिर हुए थे। गालिब पर नावल लिखने का अभी ये सोच ही रहे थे तो इन्हें पता चला कि एक और साहब हैं, वो बंगाली हैं, और उन्हें भी कहा गया कि वो गालिब पर नावल लिखें, लेकिन इस दौरान उनका भी, जो बंगाली आथर थे, उनका भी इंतकाल हो गया। तो जो भारत के सदर थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने एक बार फिर गाजी साहब को ज़हमत दी, बुलाया, इनको बड़े ही तरीके से कहा कि जनाब मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ, आप भी आ जाइए, तो वहाँ बैठेंगे, आप नावल लिखना शुरू करें, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप गालिब पर नावल लिखें। तो इससे पहले कि फ़खरुद्दीन अली अहमद छुट्टियों पर जाते और काजी साहब भी नावल लिखना शुरू करते, उनका भी इंतकाल हो गया, फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब का भी, जो भारत के सदर थे। इस पर ये बात जो उन्होंने की थी काजी साहब को, काजी साहब के दिल में बैठ गई, और फिर इन्होंने ये गालिब नाम का नावल लिखा, और इसका इंतसाब भी उन्होंने फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब के नाम किया। और ये तीनों नावल इस वक्त मेरे पास हैं। इसमें से जो पहला नावल है, जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि पहला और आखिरी ख़त, वो ये है मौजूदा, जिसे अभी शाये किया है बुक कार्नर जेलम के अमर शाहिद और गगन शाहिद से, बहुत खूबसूरत तरीके से शाये किया। इसी तरीके से जो उनका चौथा नावल था दारा शिकोह, उसे भी बुक कार्नर जेलम ने शाये किया है, ये बहुत एहतमाम से शाये किया है। और जो उनका तरीका है कि किताब को वो खूबसूरती इतनी अता कर देते हैं कि किताब को छूते हुए भी अजीब सा लगता है कि कहीं मैली ना हो जाए, और उसके हर्फ हर्फ दिल में उतरते चले जाते हैं। और ये वो नावल है गालिब के, जिसे शाये किया, इसे भी अमर शाहिद और गगन शाहिद साहब ने बुक कार्नर जेलम से। और ये वो नावल है कि जिसकी फरमाइश उस वक्त भारत के सदर फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब ने की थी, और इसका इंतसाब भी उन्हीं के नाम पर है। तो ये तीनों नावल अगर किसी ने सबरंग डाइजेस्ट में कहानियां पढ़ रखी हों काजी दस्तार साहब की, कि कहानियों में वो क्या समा बांधते थे, लफ्ज़ कैसे उनके सामने रवान रहते थे, और फिर जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी नसर में भी शायरी किया करते थे, एक एक लफ्ज़ चुना हुआ, एक एक लफ्ज़ जड़ा हुआ, ना कहीं कोई भारी, ना कहीं कोई हल्का, और फिर एक फिक्शन कैसे लिखा जाता है। अगर किसी ने सीखना है, किसी ने पढ़ने के लिए लेना है, या किसी ने लिखने के लिए इसे पढ़ना है, तो दोनों के लिए ये बेहतरीन तोहफे हैं। ये तीनों नावल आपको बुक कार्नर जेलम से दस्तयाब हो सकते हैं।
तो नाज़रीन कैसा लगा आज का वीलाग, आपको इस पर ज़रूर अपने कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक टुडे विद हफीज़ ख़ान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे प्रेस कर दिया करें ऑल पे, ताकि हमारे जितने भी आने वाले वीलॉग्स हैं, वीडियोस हैं, वो आप तक खुद ब खुद पहुँचती रहें और आपको किसी किस्म का तरद्दुद ढूंढने का ना करना पड़े। इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ ख़ान को, फ़ी अमानिल्लाह।